हाई सत श्रीकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना सुख बाठ लाहौरिया ते लाहौरिया रिकॉर्ड चैनल नाल जुड़े होए आ। दोस्तों इस वक्त असीं खड़े हाँ गुरद्वारा दातनसर साहब श्री मुक्तसर साहब। तां इह जिहड़े मेरे पिछे तुसीं कबर देख रहे हो, गुरु गोबिंद सिंह जी दी पिठ ते वार कीता सी। एक बार फिर दस दी कि तुसीं पिछे देख सकदे आ कि संगतां जिहड़ियां आपदे कई तां इत्थे इदां दे हो जांदे कि आपदियां नवीआं जुत्तियां तोड़ सकदे। कैमरामैन नूं बेनती करांगे इक वारी दिखाउण पिछे कि किस तरह जिहड़ियां इत्थे उहदे मरण तो बाद भी अज नूरदीन की कबर ते जुत्तियां पै रहीआं ने। जेकर इतिहास की गल करिए तां दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जदों उधर टिब्बी साहब वाले पासे जदों इधर दातन कुरला करन आए तां इत्थे जदों दातन कुरला कर रहे सी तां नूरदीन जिहड़ा कि मुगलां दा छड्डिया होया एक जासूस सीगा, मुगलों ने जासूसी करन वास्ते छड्डिया सीगा, तां जदों उहने देखिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी इत्थे हैना इक तरह दातन कुरला कर रहे आ तां उहने की कीता कि उहने सोचिया कि इस तों वधिया मौका मेरे लिए होर किहड़ा हो सकता। तो उन्हें फिर धोखे नाल पिछों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पिठ ते वार किया। गुरु पातशाह पहले ही जानी जान से, थोनों पता है वह तो आप खुद परमात्मा से, तो उन्होंने हाथ के जोड़ा सरबलोह का जोड़ा एक तरह गड़वा फड़िया से, तो गुरु पातशाह ने घुमा के वे मारिया। नूरदीन सिंह मौके से जोड़ा रब न प्यारा हो गया। तो उस तो बाद संगत का मनना यह है कि गुरु साहब के बयान होए ने, ये उन्होंने हम बोल आखे ने कि जोड़ा भी श्री मुक्तसर साहब की धरती से माघी के मेले से आएगा, जोड़ा कि एक तरह 40 मुक्तों की याद के मनाया जाता, तो इतने जोड़ा 5 छित्र मार के जाएगा कबर पर, उनका आना ही इतने सफल मनिया जाता है। तो एक तरह कह सकते हैं कि सराप वांगू सराप ही मिले होया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का, कि जिहड़ा भी इत्थे आऊगा वह इत्थे छित्तर मार के जाऊगा। तुसीं पिछे देख सकते हैं, तुहानूं बाद च शॉट भी दिखावांगे। ये गुरुद्वारा दातनसर साहब श्री मुक्तसर साहब के बार बार बनया होया, इत्थे संगत जिहड़ी माघी के मेले से जो आउंदी है तो इत्थे 7-8 गुरुद्वारा साहब बने हुए ने, सारे के दर्शन दीदारे करते फिर इधर दी आउंदी है, इत्थे आ के अपना जिहड़ा रोस है वह भी जाहिर करके जांदे ने। तां हम भी इहदा सीधा सीधा मतलब इहदा इह आ भी सिख धर्म के जोड़ा भी गद्दारी करेगा वह जोड़ा अंतिम भी हम भी वो मरण तो बाद भी उन्होंने जुत्तियां पैनिया रहनिया। तो बाई जी कि जगह तो आए प्रगट साहब गुरदेव हाँ तो अच्छा ते मार ले छित्र फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी इत क्यों छित्र मार दे की इतिहास पता गुरु गोबिंद सिंह दे वार करन लग्या सी ते गुरु कौर सिंह नूं पिछों गड़वा मारिया घुमा के ते उत्थे ही इहदी मुक्ति हो गई सी। इस करके जिहड़ा कोई इत्थे माघी मेले ते आउंदा है 5 छित्र मार के जरूर जांदा है जी। सति श्री अकाल बाबा जी, की नाम तुहाडा जी? ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਪਖੰਡ ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਦਾਂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਾਤਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। महाराज के कोले गड़वा सी, उन्हें गड़वा मार के उन्हें मार दिता। हाँ जी। फिर महाराज ने भजन किया भी वह सिख की यात्रा प्रवान होगी जेड़ा इस कबर से 5 छित्र आण के मारूगा। हाँ जी। तो संगत जी बेनती इस तरह भी इतने कोई अंध विश्वास नहीं गा, यात्रा उदी प्रवान होनी जेड़ा आण के 5 छित्र मारिया करूगा जी। हाँ जी। ये हुक्म है महापुरखों का, दसम पातशाह का, कलगीधर पातशाह का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो दोस्तों आवे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के चरणों नूं भावे लियारे आवे। श्री अकाल।